वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के आवास पर आगजनी मामले में आरोपी युवा जाट नेता पवन जसिया को सीबीआई ने रोहतक से मंगलवार को हिरासत में ले लिया। कोर्ट ने पवन जसिया को भगोड़ा घोषित किया हुआ था। वहीं देर शाम अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं ने एसपी से मुलाकात कर इस घटना पर विरोध जताया। एसपी ने बताया कि ये कार्यवाही रोहतक पुलिस की ओर से नहीं बल्कि सीबीआई द्वारा की गई है। जानकारी के अनुसार इस मामले को लेकर संघर्ष समिति ने बुधवार को कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में 1:27 पे 19/2/2016 को एक इंटरसेप्ट सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ली है। अभी तक मीडिया के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन की जो इंटरसेप्ट है ये कहीं भी नहीं आ रही है। 1:27 पे अकॉर्डिंग टू दिस इंटरसेप्ट सुदीप कलकल कोर्ट्स में था, रोहतक कोर्ट्स में। रोहतक कोर्ट से किसी ऑफिसर का फ़ोन आया है, उस ऑफिसर के फ़ोन के कॉल के बाद सुदीप ने उसको कॉल किया है कि कौन बोल रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि मैं ऑफिसर फला फला बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि उधर दंगा भड़क रहा है, आप वकीलों को लेकर वहाँ पे जाइए, जाके उनको समझाइए, इससे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। तब सुदीप से रिक्वेस्ट करने के बाद सुदीप ने कहा है कि मैं सांपला भी वकीलों को लेके जाता हूँ, उससे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। और ये इंटरसेप्ट उनकी इन्वेस्टिगेशन में आई हुई है और वो इंटरसेप्ट इन्होंने साथ में लगा रखी है। गॉड नोज अभी तक इसके ऊपर कहीं कोई खुलासा नहीं हो रहा है, सिर्फ एक तरफा बात चल रही है। कहां से चल रही है, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन को शायद डिबेट में नहीं लिया जा रहा है। सेम पोजीशन डीसी साहब से उनकी बात हुई है, सिर्फ 2 या 3 इंटरसेप्ट दिखाई जा रही हैं बार बार। उन 2-3 इंटरसेप्ट के अंदर कंप्लीट खुलासा तो नहीं हो रहा है। वो इंटरसेप्ट किस उपलक्ष्य में, किस बात के ऊपर, किस चीज़ के जवाब के लिए दी गई है, कहीं भी ये बात नहीं आ रही। टोटल कितने इंटरसेप्ट? टोटल 54 इंटरसेप्ट मनोज दुहन की और सुदीप कलकल की हैं, जिसमें से 17 इंटरसेप्ट जो हैं वो सुदीप कलकल की हैं। अब सेकंड इंटरसेप्ट जो डीसी साहब से उनकी बात हुई है, उसके अंदर भी सेम रिक्वेस्ट वो कर रहा है। उसके बाद डीसी साहब जो यहाँ पे इंटरसेप्ट आई थी 337 नंबर FIR में, उसमें डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा है। डीसी साहब कह रहे हैं मैं क्या कर सकता हूँ, वो इंटरसेप्ट इस सीबीआई की चार्जशीट के अंदर कहीं भी नहीं आई है। जो चार्जशीट में आई है, उस चार्जशीट सीबीआई की चार्जशीट में जो आई है उसको भी कहीं शो नहीं किया जा रहा है। डीसी साहब से बात हुई है, एक तरफा बातचीत चल रही है, पता नहीं। हम लोग उसको समन करके और जो भी पोजीशन है उस हिसाब से टाइम पे जब एविडेंस शुरू होगी उस टाइम के ऊपर जैसा भी पोजीशन होगी वैसे दिखा दिया जाएगा। इंडिया एक्सप्रेस के लिए रोहतक से सनी की रिपोर्ट।